टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए डिफाइन है वो जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक है उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के लिए क्या होगा? एक सॉल्यूट होगा, उसके अंदर एक दूसरा होगा सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट या मोल कम होगा उसको क्या बोला जाएगा? वो होगा हमारा सॉल्यूट। जिसका अमाउंट और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो होगा हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले, बन गया सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखते हैं फेज क्या होगा। अगर सबका सेम फेज है, सॉल्यूशन बनते वक्त सॉल्यूट भी था सॉलिड, ये भी सॉल्वेंट भी सॉलिड है, वो भी क्या हो जाएगा? फाइनली बोलेंगे सॉलिड। नाम से लग रहा है कि सॉल्वेंट लिक्विड में होना चाहिए। फेज पर डिपेंड करेगा कि ज़रूरी नहीं है कि सॉल्वेंट लिक्विड ही हो, वो गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सेम फेज है तो सॉल्यूशन का भी क्या होगा? सेम फेज। ये लिक्विड है लिक्विड, तो ये भी क्या होगा? लिक्विड फेज। एक केस ऐसा लेते हैं जब सब्सटेंस फॉर्म होकर रहे सॉल्यूशन, उसमें डिफरेंट फेज है। अगर सबका डिफरेंट फेज है तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? विल बी द फेज ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का फेज है वो ही डिटरमाइन करेगा कि सॉल्यूशन का क्या फेज होगा। अदरवाइज दोनों का फेज सेम है तो सॉल्यूशन का भी वही फेज होगा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है। अगर फेज अलग है तो क्या करेंगे? जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही होगा हमारा सॉल्यूशन का। क्लियर? फेज का मतलब कितने फेज होते हैं? सॉलिड फेज, लिक्विड, गैस। फेज की जगह कहीं कहीं पर लिखा होगा स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। कंसंट्रेशन जो टर्म है वो किसके लिए डिफाइन है? वो डिफाइन है होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म देख लेते हैं, कौन कौन से टर्म है कंसंट्रेशन के। फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी परसेंटेज निकालना है वेट का वेट के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, देखो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एग्जांपल लिख लेते हैं 30% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के ओ एच। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे लिख लेते हैं 30/100 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? के ओ एच, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? जब ये परसेंटेज है तो हम क्या मान सकते हैं? हम मान सकते हैं कि अगर टोटल सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम लिया, जैसे ही परसेंटेज हो तो क्या मान लो, सबसे इजीएस्ट वे ये 100 मान लेते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर वो क्या कंटेन करेगा? सॉल्यूट। कंटेन्स सॉल्यूट लेगा, कितना सॉल्यूट होगा? सॉल्यूट होगा 30 ग्राम। सॉल्यूशन मिला था सॉल्वेंट और सॉल्यूट से, तो सॉल्यूट अगर 30 है तो उसमें सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट होगा 100 - 30 मतलब 70 ग्राम। कुछ भी नहीं दे रखा होगा सॉल्वेंट तो अज्यूम कर लेंगे कि वो क्या है? H2O। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 40% वेट बाय वेट NaOH। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, 100 ग्राम सॉल्यूशन, उसके अंदर वो क्या कंटेन कर रहा है? कंटेन्स 45 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? जो लिखा होगा वही नाम होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड 55 ग्राम क्या है उसके अंदर? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या लेंगे हम? H2O। एक और चीज़ नोटिस करेंगे, ऊपर क्या था? वेट, नीचे भी है वेट, दोनों जगह वेट है। वेट वाला टर्म क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये वाला परसेंटेज वाला टर्म कैसा हो जाएगा? ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग मानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेट कांस्टेंट रहता है। फर्स्ट टर्म हो चुका है हमारा वेट बाय वेट परसेंटेज। सेकंड लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम।
वेट बाय वॉल्यूम। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? परसेंटेज का साइन आगे आएगा W और नीचे वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम का टर्म पी वी इक्वल टू एनआरटी, याद करें वहाँ पे क्या था, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन था। ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी जब लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट ऊपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमेशा सॉल्यूशन का ही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूशन लिख दिया सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल मतलब सॉल्यूशन से लेंगे 100। इसका एग्जांपल भी वही लेते हैं, वहाँ पे जो 30% लिया था, 30% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, इससे समझ में क्या आया हमारा। वहाँ पे 100 ग्राम लिया था, यहाँ पे 100 ग्राम ना लेके क्या लिखेंगे, 100 ml। 100 ml अगर हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, कंटेन्स 30 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट हमारा KOH है, क्लियर। इसी का ही सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, 45% WYV NaOH, सेम लिख रहे हैं, बट देख लो आगे सिंबल अलग है तो उसका भी मीनिंग अलग हो गया। अगर 100 ml सॉल्यूशन लिया, परसेंटेज जहाँ भी होगा तो 100 लेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 45 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लियर। एक और थर्ड टर्म ले लेते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। रिप्रेजेंट करेंगे वी बाय वी, ऊपर का वॉल्यूम है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। एग्जांपल 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम KOH, वॉल्यूम है तो भी क्या मानेंगे हम लोग, फॉर्मूला नहीं लिखा, लिख लेते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या लेंगे, 100 ml सॉल्यूशन क्या रख रहा है उसके अंदर, कंटेन्स 30 ml सॉल्यूट एंड 70 ml, क्योंकि टोटल मिला के 100 होना चाहिए, सॉल्वेंट, क्लियर। अगेन दूसरा एग्जांपल, 45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेम NaOH, NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉल्यूम है तो क्या मानेंगे इसका, 100 ml कंटेन्स 45 ml सॉल्यूट एंड 55 ml सॉल्वेंट, क्लियर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो एग्जांपल्स थे। 80 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, उसको ऐड कर रहे हैं हम लोग किसके अंदर, इन 300 ग्राम वाटर, 300 ग्राम वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या लेना है हमें, वेट बाय वेट, तो ध्यान रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना है। क्या क्या गिवन है,
गिवन है 80 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट। 300 ग्राम H2O, ये क्या है सॉल्वेंट। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना हो गया वेट से 380 ग्राम। परसेंटेज W/W किसका लेना है हमें, MgO का, सॉल्यूट का लेना होता है। तो कितना है ये 80 डिवाइडेड बाय 380 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा आंसर, अराउंड 21.05%। क्वेश्चन नंबर 2, 50 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसको क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं पानी में, इज एडेड इन H2O। जैसे ही H2O में ऐड किया क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। कितना ml का सॉल्यूशन बन रहा है, 100 ml का सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के साथ साथ और क्या क्या दे रखा है, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। और क्या कैलकुलेट करना है हमें, इतना दे तो दिया है, परसेंटेज वेट बाय वेट और दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। पहले नोटिस कर लेंगे क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है। गिवन H2SO4, इसका वेट है 50 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, यह है सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले प्लान कर लेंगे क्या क्या दे रखा है, ये कितना दे रखा है 100 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और ये वेट सॉल्यूट का है, तो इसके वॉल्यूम और इसके वेट से हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। अगर ये डेंसिटी सॉल्यूशन का है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का लिया, तो मास भी क्या आ जाएगा सॉल्यूशन का, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, वॉल्यूम 100 ml। इसको जब सॉल्व करेंगे मास आ जाएगा 1.2 ग्राम, सॉरी यहाँ पे 100 भी है, 100 भी मल्टीप्लाई करेंगे, ml से ml कैंसिल, एक पॉइंट है तो पॉइंट रहेगा, इतना ग्राम। मास किसका आ गया, ये मास आया है सॉल्यूशन का, क्योंकि हमने डेंसिटी ली थी सॉल्यूशन की, वॉल्यूम भी लिया सॉल्यूशन का, तो मास किसका आ गया सॉल्यूशन। अब जो फाइंड आउट करना है, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट 50, वेट ऑफ सॉल्यूशन 120 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, पूरा करेंगे अच्छे से, 41.66 समथिंग। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 41.67%, 66 आ रहा है बार बार। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट 50 है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन था, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 50%। क्लियर, दो क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, ये गिवन है, स्टेटमेंट में लिख देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन, तो हम स्टेटमेंट को समझकर उसमें से देखना है क्या क्या चीज़ें काम की है। कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट
कितना मास होगा सॉल्यूट का, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, इन 800 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, और कुछ डेटा भी दे रखा है विच इज़ 40% वेट बाई वेट। तो परसेंटेज वेट बाई वेट उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये दे रखा है 40, सॉल्यूशन का वेट भी दे दिया है 800, ये हमसे पूछा गया है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, वेरी सिंपल। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, यहाँ से 2 जीरो गया, 320 ग्राम। यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, ग्राम में है, केजी में है, मिलीग्राम में है, क्लियर। इसके नेक्स्ट क्लास में हम मोलारिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।